हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर आपका वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। तो फ्रेंड, जैसे कि हमारा ब्रांच अकाउंटिंग चल रहा था और ब्रांच अकाउंटिंग की अब तक मैंने 3 वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने अब तक एक तो इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा कि व्हाट इज़ ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट की डेफिनेशन क्या है, ब्रांचेस के टाइप्स कितने हैं। सेकेंड पार्ट में हमने डेटर सिस्टम के अंदर क्या क्या अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, उसके फॉर्मेट सीखे। थर्ड पार्ट में मैंने एक पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको ब्रांच अकाउंट का बताया। तो इस तरीके से आपका डेटर सिस्टम खत्म हो गया। अब आज हम फोर्थ पार्ट में पढ़ेंगे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंट। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर फॉर्मेट। तो आज सीखेंगे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो जैसे आपको चार मेथड बताया गया, चार में से ये सेकंड मेथड है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। इस मेथड में क्या क्या और हमें फॉलो करना है, मीन्स कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। तो अंडर दिस सिस्टम फॉलोइंग अकाउंट्स Following four accounts are mainly prepared. इसका मतलब क्या है कि इस सिस्टम में हमें नॉर्मली चार अकाउंट तो बनाने ही पड़ते हैं और कुछ अकाउंट्स और भी हैं जो ऑप्शनल हैं, दे आर नॉट मैंडेटरी। वो हम तभी बनाते हैं जब क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट हो या लिखा हो कि आप प्रिपेयर करें वो अकाउंट्स भी। पहली बात तो ये मेथड हमें कब फॉलो करना है, ये मेथड तब फॉलो करना है जब या तो क्वेश्चन में स्पेशली इस मेथड के बारे में बोला गया हो कि फॉलोइंग स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, या फिर क्वेश्चन में आपको उन चार अकाउंट्स को बनाने के लिए उन अकाउंट्स के नाम दे रखे हो कि आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाइए, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें स्टॉक एंड डेटर सिस्टम फॉलो करना है। तो इस मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है, इस मेथड की रिक्वायरमेंट है कि आपको जो भी गुड्स हेड ऑफिस के द्वारा भेजे जा रहे हैं वो इनवॉइस प्राइस पर दिए होने चाहिए, और नहीं दिए तो हमें इनवॉइस प्राइस पर उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस मेथड में आपको ये बता दें, ये मेथड आपका डेटर सिस्टम से भी इजी है। बस जरूरी है कि आप लास्ट तक इस वीडियो को पूरे ध्यान से समझें, तभी ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से अकाउंट्स हमें बनाने हैं इसमें। सबसे पहले फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट इज ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट इस मेथड में ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो इट इज ऑलवेज, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब लोडेड प्राइस, मींस यहां पर ये जैसे हमारे पास पिछले मेथड में, मींस डेटर सिस्टम में हमारे पास ब्रांच अकाउंट हमें बनाना होता था, तो ब्रांच अकाउंट हमारे लिए ऑप्शनल था, या तो हम उसे कॉस्ट प्राइस पे बनाएं या इनवॉइस प्राइस पे, बट इसके लिए कंपल्सन, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट इनवॉइस प्राइस, दैट इज लोडेड प्राइस। सेकेंड थिंग, अंडर दिस अकाउंट, इस अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं, तो अंदर दिस अकाउंट ओनली इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड। क्योंकि बेसिकली ये अकाउंट किसके लिए बनाया जा रहा है, स्टॉक के लिए, और अगर स्टॉक के लिए बनाया जा रहा है तो इस अकाउंट में केवल स्टॉक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, मींस ऑल
इनफ्लोज ऑफ स्टॉक और गुड्स एंड आउटफ्लोज ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड। इसमें अदर चीजें अदर एक्सपेंसेस नहीं दिखाए जाते, ठीक है। थर्ड अकाउंट है और इसमें क्या ध्यान देना है, बस ये दो मेन बातें ध्यान देना है। जो हमारा सेकंड अकाउंट बनेगा वो है ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर अकाउंट हमारे डेटर सिस्टम में भी था, यहां पर भी है। फॉर्मेट सेम है 90%, बट कुछ वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, इसलिए स्पेसिफिकली हम ब्रांच डेटर अकाउंट भी यहां पर बनाएंगे, ठीक है। क्यों बनाया जाता है, तो इट इज प्रिपेयर्ड, या कह सकते हैं कि अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, तो इट इज प्रिपेयर्ड टू नो आइदर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। और या तो ये ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस डेटर का जानने के लिए बनाया जाता है, और इट इज प्रिपेयर्ड, या फिर ये बनाया जाता है, और इट इज प्रिपेयर्ड टू नो द क्रेडिट सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर से ड्यूरिंग द ईयर कितना कलेक्शन हुआ, डेटर को हमने कितना क्रेडिट सेल किया, इनमें से कोई भी एक मिसिंग फिगर है, या तो ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस, या क्रेडिट सेल या कलेक्शन फ्रॉम डेटर, इनमें से कुछ भी मिसिंग है, तो हम उसे जानने के लिए ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट अकाउंट इज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इट इज जस्ट प्रिपेयर्ड टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ये अकाउंट बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए बनाया जाता है। अब अगर आप याद करें, रिकॉल करें, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कौन से अकाउंट से निकलता था, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो इसका नेचर भी ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता जुलता है। और ये अकाउंट किसके बेस पर बनाया जाता है, ये अकाउंट टोटली ब्रांच स्टॉक अकाउंट पर बेस्ड होता है। तो दिस अकाउंट इज बेस्ड ऑन ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये अकाउंट ब्रांच स्टॉक अकाउंट पर बेस्ड होता है, मीन्स बिना इस अकाउंट के बनाए हुए हम इसे नहीं फुलफिल कर कंप्लीट कर सकते। अंडर दिस अकाउंट only reversal of loading। इस अकाउंट में केवल लोडिंग का रिवर्सल, मीन्स मार्जिन का रिवर्सल करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो तीन बातें ध्यान देना है,
कि अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए बनाया जाता है। साथ ही साथ ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट पर बेस्ड होता है। और तीसरा, इसमें ब्रांच स्टॉक में जितना भी हमने लोडिंग का पार्ट ऐड किया है इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि इसे बनाया तो इसमें लोडिंग है, तो लोडिंग का इफेक्ट खत्म करने के लिए लोडिंग का रिवर्सल यहां दिखाया जाता है, ठीक है। और चौथा अकाउंट है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चौथा अकाउंट है हमारा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ब्रांच एडजस्टमेंट के नेक्स्ट बाद बनेगा। तो इट इज प्रिपेयर्ड और दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये अकाउंट बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए बनाया जाता है। और क्या होता है, इस अकाउंट में सारे ही एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड की जाती है। तो अंडर दिस अकाउंट ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड। तो ये मेन फोर अकाउंट्स हैं जो कि हमें हर क्वेश्चन में बनाने हैं। इनके बाद कुछ अकाउंट्स हमारे लिए ऑप्शनल है, लाइक ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कर गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, या कोई अदर अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है तो एज पर रिक्वायरमेंट वो एडिशनल अकाउंट हम बनाएंगे। बट ये चार अकाउंट्स तो हमें हर क्वेश्चन में बनाना होगा, ठीक है। तो बहुत इजी है इनके फॉर्मेट्स। अब इसके बाद हम इनके एक एक करके सारे फॉर्मेट सीखेंगे। फॉर्मेट्स के बाद फिर एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में। तो आप इसे नोट करें और इसके बाद मैं आपको इन सभी अकाउंट्स के फॉर्मेट समझाता हूं। तो अब हम इनके एक एक करके सभी के फॉर्मेट सीखेंगे। चैप्टर इजी है, जरूरी है कि आप कंटिन्यूअसली इसे लास्ट तक देखें, कहीं पर स्किप ना करें, तो आपको कॉन्सेप्ट एक बार में ही फुल्ली समझ आ जाएगी। और फॉर्मेट समझते समझते आपका माइंड में ये बात क्लियर हो जाएगी कि हमें पूरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम सीखेंगे फॉर्मेट ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले ये अकाउंटिंग होती किसके बुक में है, आपको बताया था कि जैसे ब्रांच डेटर सिस्टम के अंदर हेड ऑफिस अकाउंटिंग मेंटेन करता है, ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग स्टॉक एंड डेटर सिस्टम भी हेड ऑफिस ही मेंटेन करेगा, ब्रांच कोई अकाउंटिंग नहीं करता। तो सबसे पहले हमें सीखना है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। फॉर्मेट ब्रांच स्टॉक अकाउंट का, अगर आप कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल फोकस करेंगे, कहीं माइंड ले नहीं जाएंगे, एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा।
सेकेंड अकाउंट हमें बनाना है वो है ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है, अकाउंट्स इजी कोई सब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि यह ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड होता है। बस जरूरत है कि इस पर हम कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, कॉन्सेप्ट को अपने रियल लाइफ से मैच करने की कोशिश करें तो हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाता है। अब जैसे ये दोनों अकाउंट्स की कॉन्सेप्ट है, इन अकाउंट्स में आपको क्या ध्यान देना है कि अकाउंट्स किससे रिलेटेड हैं। पहला स्टॉक से रिलेटेड है, दूसरा डेटर। अब माइंड में आना चाहिए स्टॉक भी एसेट से, डेटर भी एसेट से। तो स्टॉक हो या डेटर दोनों ही एसेट्स हैं और एसेट्स को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट। तो डेबिट में अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो डेबिट में दिखाओगे और स्टॉक अगर घट रहा है तो घटाने के लिए क्रेडिट में दिखा दो। सिमिलरली डेटर भी एसेट्स से बढ़ाने के लिए डेबिट में और डेटर घट जाए तो घटाने के लिए क्रेडिट में दिखाना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हेड ऑफिस की बुक्स में हमें ये बनाना है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, अपने ब्रांच का स्टॉक अकाउंट। अब आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, स्टॉक क्या है, एसेट्स है। एसेट्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। तो कोई भी एसेट्स हो, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सबसे पहले कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर हमारे पास कितना ओपनिंग स्टॉक है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर हमारे पास कितना ओपनिंग स्टॉक है, और एक चीज यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं, जैसा कि पहले भी मैंने अभी बताया था कॉन्सेप्ट के अंदर कि दिस अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट इनवॉइस प्राइस। तो यहां लिख लो एट या ऑलवेज एट आईपी। आईपी का मतलब इनवॉइस प्राइस, तो ये कभी कॉस्ट प्राइस पर नहीं बनेगा, इनवॉइस प्राइस पर। तो ओपनिंग स्टॉक भी हमने किस पे दिखा दिया, इनवॉइस प्राइस पर हमने दिखा दिया। अब ये तो वो स्टॉक है जो ब्रांच के पास एट द बिगनिंग ऑफ ईयर है। फिर क्या इतने स्टॉक से पूरे साल का काम चलेगा ब्रांच का, नहीं। तो हेड ऑफिस ने और स्टॉक भेज दिया अपने ब्रांच में। तो जब स्टॉक भेजेंगे तो क्या होगा, ब्रांच का स्टॉक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बढ़ाने के लिए डेबिट में दिखाएंगे, यहां लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। आपने जितना स्टॉक ब्रांच में भेजा वो भी दिखा दिया, तो इतना स्टॉक तो पहले से था ब्रांच में, इतना आपने अपने ब्रांच में ड्यूरिंग द ईयर और भेज दिया। ठीक है, स्टॉक बढ़ गया। अब स्टॉक ब्रांच में पहुंचा तो ब्रांच की क्या जिम्मेदारी है, ब्रांच का काम क्या है। ब्रांच का काम इस स्टॉक को बेचना। तो बेचने के क्या कितने तरीके हैं, बेचने के दो तरीके हैं, कौन कौन से। या तो आप नगद स्टॉक बेचें या उधार, दोनों ही तरह की सेल में स्टॉक का आउटफ्लो तो हुआ, स्टॉक का इनफ्लो मीन्स स्टॉक का आना डेबिट में अगर दिखाओगे तो स्टॉक का आउटफ्लो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। इसलिए सबसे पहले अगर स्टॉक आपने नगद बेचा है तो बाय ब्रांच कैश या बैंक अकाउंट, ब्रांच कैश या बैंक अकाउंट करके आप दिखा सकते हैं, जिसमें आप क्या दिखाएंगे, चाहे कैश या बैंक में जो भी है आप दिखाएंगे कैश सेल्स। ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी आपने कैश सेल किया वो तो ब्रांच कैश अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, स्टॉक का आउटफ्लो हुआ है। और अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ क्रेडिट सेल किया है तो क्रेडिट सेल किससे रिलेटेड है, क्रेडिट सेल का रिलेशन किससे है, डेटर से। इसलिए आप लिखेंगे ब्रांच डेटर अकाउंट, डैश करके दिखाएंगे यहां पर क्रेडिट सेल्स। अब चाहे आप नगद माल बेचे या उधार, दोनों ही तरह से स्टॉक का आउटफ्लो हुआ। ब्रांच में स्टॉक और कैसे घट सकता है, थोड़ा सा सोचें। तो जो माल आपने हेड ऑफिस से अपने ब्रांच में भेजा था, अगर उसमें से कुछ आपका पार्ट ऑफ गुड्स डिफेक्टिव निकल गया तो आप क्या करेंगे, उसे हेड ऑफिस वापस भेज देंगे, तो ब्रांच का स्टॉक घट जाएगा। तो
आपको रिटर्न्स टू हेड ऑफिस को या तो यहाँ पर आप लेस कर सकते हैं, या बेटर है इसी नाम से आप क्रेडिट साइड में दिखा दें, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच डैश करके रिटर्न्स टू हेड ऑफिस। आपने जो माल हेड ऑफिस को वापस कर दिया वो यहां दिखा दें, या हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन पर आपने स्टॉक किसी अदर ब्रांच में भेज दिया, ट्रांसफर टू अदर ब्रांच, वो भी गुड्स सेंड टू ब्रांच, ट्रांसफर टू अदर ब्रांच के नाम से आप दिखाएंगे। तो ये तरीका है स्टॉक घटने का। और यहाँ पर क्या आ सकता है, हमारे पास दो तरीके के लॉस होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक तो नॉर्मल लॉस, दूसरा एबनॉर्मल लॉस। चाहे वो नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स हो या एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स है, दोनों से क्या हुआ, हमारा स्टॉक तो घटा है। तो स्टॉक को घटाने के लिए क्रेडिट में आप दोनों लॉस दिखाएंगे, बट उसका कुछ सिस्टम है। तो अगर नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस किसे कहते हैं, पहले तो ये समझ ले कि नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिसे जो होना ही होना है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इट इज द इनहेरेंट नेचर ऑफ द गुड्स ड्यू टू विच इट अकर्ड। जैसे गैस का फिलिंग स्टेशन पर लीक होना, पेट्रोल पंप का लीक होना, ये कैसे लॉस है, नॉर्मल। तो नॉर्मल लॉस पूरा पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाते हैं, इसलिए हमें यहां पर थोड़ा सा प्लानिंग के साथ लिखना होगा। सबसे पहले ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आप नॉर्मल लॉस जितना नॉर्मल लॉस हुआ है वो तो आप पूरा पूरा दिखाएंगे, बट अगर ब्रांच में कोई एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस की ओनली लोडिंग वाला पार्ट, नॉर्मल लॉस तो पूरा पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा, जबकि एबनॉर्मल लॉस की केवल लोडिंग आप ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो दो चीजें जाएंगी ब्रांच एडजस्टमेंट में। अब एबनॉर्मल लॉस की लोडिंग तो यहां दिखा दिया, बट अगर एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी तो होगी, अगर लोडिंग है तो कॉस्ट भी होगी, उसे कहां दिखाएंगे, उसे दिखाएंगे ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें दिखाएंगे कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो देखिए एबनॉर्मल लॉस की लोडिंग फर्स्ट पार्ट मीन्स एडजस्टमेंट में दिखाएंगे, और एबनॉर्मल लॉस की ही कॉस्ट आएगा सेकेंड पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और फिर और कैसे स्टॉक घट सकता है, स्टॉक घटने का और कोई तरीका है क्या आपके माइंड में, मे बी हो सकता है, बट नॉर्मली ये ट्रांजेक्शन है जिनकी वजह से हमारा स्टॉक घटता है, या तो आप नगद माल बेचे या उधार, या आपने हेड ऑफिस को वापस कर दिया तो स्टॉक घट गया, नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स से स्टॉक कम हो जाता है, और एट लास्ट जितना हमारे पास स्टॉक बचा है उसे हम क्या बोलेंगे, हमारा वो क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक का। इस तरीके से स्टॉक जो घट सकता था वो सारी पॉसिबिलिटीज हमने क्रेडिट में दिखा दी। अब स्टॉक बढ़ कैसे सकता है, या तो हेड ऑफिस से माल आया तब बढ़ सकता है, या फिर सोचें ये डेटर्स जिनको आपने उधार माल बेचा था, अगर ये डेटर्स ही माल वापस कर दे ब्रांच में तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा। तो ब्रांच डेटर अकाउंट के नाम से यहां पर दिखाएं टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट डैश करके लिखेंगे सेल्स रिटर्न। तो अगर हमारे ब्रांच के डेटर्स ने हेड ऑफिस में माल वापस कर दिया है, कहाँ कर दिया वापस, ब्रांच में माल वापस आ गया, डायरेक्ट हेड ऑफिस नहीं, ब्रांच में ही स्टॉक वापस आ गया डेटर से, तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा, डेबिट में दिखा देंगे। ठीक है, और फिर अब हमें स्टॉक अकाउंट को क्लोज करना है। नॉर्मली क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है, वही टोटल हम डेबिट में लाते हैं, और यहां से अगर ये सब कुछ घटाने के बाद यहां स्टिल बैलेंस निकलता है तो
तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को हम एडजस्टमेंट अकाउंट में ले जाएंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। बट इस ये क्योंकि स्टॉक अकाउंट है, स्टॉक से जो प्रॉफिट आया वो वैसा प्रॉफिट नहीं है जो गुड्स की सेल से हुआ है, बल्कि ये तो वो प्रॉफिट है जो एक्सेस ऑफ सरप्लस स्टॉक मीन्स स्टॉक का हमने सोचा था कि इतना आया है उसमें से ये गया तो इतना बचना चाहिए, बट नॉर्मली वो लॉस एक्सेस में आ गया। लॉस स्टॉक का एक्सेस में आना कैसे पॉसिबल है? इस नॉर्मल लॉस की वजह से, क्योंकि नॉर्मल लॉस हम पहले से एस्टिमेट करके चलते इतना होगा, जबकि रियल में हमारा उतना लॉस नहीं हुआ, हमारे स्टॉक का सरप्लस आ गया, तो उसे हम डेबिट में दिखाएंगे, सरप्लस ऑफ स्टॉक। तो ये सरप्लस ऑफ स्टॉक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। स्टॉक अकाउंट कंप्लीट हो गया, मीन्स अगर अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर डेबिट में आता है तो सरप्लस है, तो क्रेडिट में आएगा तो उसे क्या मानेंगे? अगर बैलेंस क्रेडिट में निकलता है तो उसे एबनॉर्मल लॉस या शॉर्टेज ऑफ गुड्स। अगर स्टॉक ज्यादा आता है तो सरप्लस, तो स्टॉक कम आएगा तो क्या होगा? शॉर्टेज ऑफ गुड्स, और शॉर्टेज ऑफ गुड्स को एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब ब्रांच डेटर में आते हैं। डेटर अकाउंट बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले डेटर की स्टार्टिंग, डेटर एसेट्स है तो ओपनिंग बैलेंस आप डेबिट में दिखाएंगे, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, डेटर हमारे इतने हैं। अब ये डेटर बढ़ाने के लिए तो डेबिट में दिखाओगे, घटाने के लिए क्रेडिट में। डेटर्स कैसे घटते हैं, उसके रीजन क्या हो सकते हैं? एक तो कि डेटर से हमें पैसे मिल जाए तो डेटर हमारे घट जाएंगे, और डेटर से पैसे आएंगे तो कौन से अकाउंट में दिखाएंगे? ब्रांच कैसे या बैंक अकाउंट में। तो यहां लिखेंगे बाय ब्रांच कैश अकाउंट, डैश करके दिखाएं कि क्या है ये कलेक्शन। डेटर से पैसा आ गया तो डेटर घट गए। और डेटर कैसे घटेंगे? अगर डेटर्स हमें स्टॉक ही रिटर्न कर दे, गुड्स वापस कर दे तो घट जाएंगे। स्टॉक वापस करेंगे तो कहाँ आएगा? स्टॉक अकाउंट में। इसलिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट का हम नाम लिखेंगे यहाँ, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। यहां दिखाएंगे सेल्स रिटर्न। और डेटर कैसे घट सकते हैं? डेटर हमें बिल साइन करके दे दी, हमने उनके ऊपर बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया, उन्होंने एक्सेप्ट करके दे दिया, तो हमारे डेटर घट जाएंगे, तो बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। डेटर ने बिल एक्सेप्ट कर दिए तो हमारे लिए डेटर्स कम हो जाएंगे। और डेटर्स कैसे घट सकते हैं? ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से हम दिखाएंगे क्या क्या डेटर्स को अगर हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड, तो भी तो हमारे डेटर घट जाएंगे। डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ करने से डेटर घटेंगे। और डेटर्स ने पैसे मार लिए तो हम उसे बोलते हैं बैड डेट्स। इतने तरीके से हमारे डेटर्स घट सकते हैं। और एट लास्ट आप क्या दिखाएंगे? डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, जिसे कहते हैं बैलेंस सीडी। तो बस इतनी चीजें क्रेडिट में आ सकती हैं, आप इसे क्रेडिट का टोटल कर दें। ये दोनों बैलेंस क्योंकि लॉस है, डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स, तो कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में। ये तो हुए डेटर्स को घटाने के तरीके। डेटर्स बढ़ेंगे कैसे? अगर डेटर्स ने हमें बिल साइन करके दिए थे, एक्सेप्ट करके दिया था, बट अगर वो बिल डिसऑनर हो जाएं, तो क्या होगा? हमारे डेटर्स फिर से बढ़ जाएंगे। या डेटर्स ने हमें चेक से पेमेंट किया था, बट वो चेक ही डिसऑनर हो गया, तो क्या होगा? फिर से हमारे डेटर बढ़ जाएंगे। या फिर और कोई तरीका हो सकता है डेटर बढ़ाने का? अरे सबसे सिंपल तरीका है, आप और उधार माल बेच दो डेटर्स को, डेटर बढ़ जाएंगे। तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डैश करके क्रेडिट सेल। तो मैंने आपको यहां पर
फॉर्मेट इनका दोनों का बताया, बट फॉर्मेट मैंने आपको रटाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। हर एक आइटम, हर एक एंट्री के बारे में लॉजिक बताया कि क्यों ये डेबिट में आया, क्यों ये क्रेडिट में आया। अब यहां से हमने इसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्यों दिखाया, क्योंकि ये क्रॉस एंट्री यहां जाएगी, ठीक है, स्टॉक घट जाएगा। अब इन दोनों अकाउंट्स के बाद तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट, जो कि इनका तो देखो रीजन है, ये हमारे डेटर सिस्टम से मैच करते, कहीं ना कहीं ये ब्रांच अकाउंट से मैच करता है और ये तो डेटर अकाउंट से मैच करता है। बट अब जो नया हमें सीखना है इस चैप्टर में, मीन्स इस सेकंड मेथड में, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में, वो है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब तीसरे नंबर पर हमें सीखना है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और इसके बाद यहां पर बनाएंगे ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका चौथा अकाउंट। तो अभी जैसा मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स लिखवाई थी इन चारों अकाउंट्स के बारे में, तो मैंने लिखवाया था ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट किस पर बेस्ड होता है। ये पूरा अकाउंट पहली बात ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा होता है, मींस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ना जानने के लिए नहीं बनाया जाता है। दूसरा, दिस अकाउंट इज टोटली बेस्ड ऑन ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट की लोडिंग को एडजस्ट करने के लिए बनाया जाता है। और बहुत ही सिंपल लॉजिक है, क्या कि डेबिट में जितनी भी चीजें आई हैं सब इनवॉइस प्राइस पर हैं, उनकी लोडिंग को अभी तक ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट में दिखाते थे, अब यहां लोडिंग एडजस्ट ना करके इस अकाउंट में डेबिट की लोडिंग को यहां क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में जितने भी गुड्स से रिलेटेड आइटम हैं उनकी लोडिंग को डेबिट साइड में दिखाओगे और ये अकाउंट कंप्लीट। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होती, ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग को क्या कहते हैं, स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आया तो इसकी लोडिंग कहां आएगी, क्रेडिट साइड में। तो आप यहां क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, और लिखेंगे डैश लगाकर लोडिंग ऑन किस पे, ओपनिंग स्टॉक पे। तो ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग आपने यहां डेबिट में, जो इस ओपनिंग स्टॉक है इसकी लोडिंग क्रेडिट में दिखाया। इसके बाद क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, आपने हेड ऑफिस से जितना माल भेजा वो भी इनवॉइस प्राइस पर भेजा है, तो इसकी लोडिंग भी यहां क्रेडिट में आ जाएगी और इसी नाम से गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय गुड सेंड टू ब्रांच, यहां पर लिखेंगे लोडिंग ऑन गुड्स सेंड, कि जो माल हमने यहां पर भेजा था इसमें जितना भी प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन ओनली, वो प्रॉफिट मार्जिन यहां क्रेडिट में आ जाएगा। इसके बाद अब यहां जो सरप्लस आया है, ये सरप्लस पूरा पूरा, इसे लोडिंग और कॉस्ट में ब्रेक नहीं करना, ये स्टॉक का सरप्लस है, प्रॉफिट है, ये पूरा पूरा क्रेडिट में आप दिखा देंगे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, डैश करके लिख देंगे सरप्लस, ये पूरा पूरा। इसमें ध्यान देना है जो सरप्लस आया वो फुल अमाउंट पूरी पूरी यहां दिखाना है। अब ये तो हो गई डेबिट के चीजों की लोडिंग, अब हम चलते हैं क्रेडिट में। ये दोनों चीजें क्या है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। सेल्स पर कभी लोडिंग नहीं निकाली जाती क्योंकि सेल तो सेलिंग प्राइस पर होती है। अब ये गुड्स रिटर्न है या गुड्स ट्रांसफर्ड है, उसकी लोडिंग कहां आएगी, डेबिट में। हम स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग बैलेंस की लोडिंग से। ओपनिंग की लोडिंग को स्टॉक रिजर्व दिखाया क्रेडिट में, तो क्लोजिंग की लोडिंग को आप डेबिट में दिखा दो। सबसे पहले टू
स्टॉक रिजर्व, और यहां रीजन लिखो क्या, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। हमें लॉजिक के साथ काम करना है, रीजन के साथ करना है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग डेबिट में आ गई, ओपनिंग की लोडिंग क्रेडिट में आ गई। इसके बाद जितनी भी चीजें आप गुड्स से रिलेटेड हैं, ये गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न्स टू हेड ऑफिस, क्रेडिट में आया, तो इसकी लोडिंग भी यहां डेबिट में आएगी। तो नाम तो यही लिखेंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, डैश लगाकर लिखेंगे लोडिंग ऑन रिटर्न्स। जो गुड्स हमने हेड ऑफिस को वापस किया उसमें जितनी भी लोडिंग है वो लोडिंग यहां डेबिट में दिखा दिया। इसके बाद और आगे चले तो गुड्स में, गुड्स से रिलेटेड ये दो चीजें हैं, आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा है जिसमें नॉर्मल लॉस पूरा पूरा, अब नॉर्मल लॉस की लोडिंग, ये क्योंकि एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम आया क्रेडिट में इसलिए एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा। और किस नाम से आएगा, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट से आया। और ये दोनों ही चीजें यहां पर हमें एज इट इज दिखा देना है, क्या क्या, एक तो नॉर्मल लॉस जो कि फुल दिखाना है, नॉर्मल लॉस जो कि फुल अमाउंट दिखाना है, इसे यहां पे ब्रेक नहीं करना कॉस्ट और लोडिंग में, फुल अमाउंट दिखाना है, जबकि एबनॉर्मल लॉस की केवल लोडिंग। ओनली लोडिंग, एबनॉर्मल लॉस की ओनली लोडिंग दिखाना है। अब नॉर्मली क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता है, तो क्रेडिट का टोटल पहले करेंगे, डेबिट में लाएंगे और ये सब घटा देंगे, तो जो बैलेंस आएगा उसे नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और इससे अपोजिट सिचुएशन क्या हो सकती है कि अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो इधर ग्रॉस लॉस आ जाएगा। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उसे हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। डैश करके ग्रॉस प्रॉफिट, या डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है सिंपल, जैसे फाइनल अकाउंट में आपने सीखा। अब इस अकाउंट में क्या आना है, इसमें आप देखें जहां भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम आया क्रेडिट साइड में आया तो डेबिट में आएगा। अब यहां पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट से आ रहा है तो यहां लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, यहां डैश लगा के रीजन भी लिखना है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट से क्या आया है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ये आपने रीजन भी दिखा दिया। और इसमें क्या आएगा दूसरा, अब इसमें और कहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम नहीं आया, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम इसमें कहीं आया है, देखिए आया है। तो दो तरह के लॉस डेटर से रिलेटेड हैं, वो भी आपको यहां डेटर अकाउंट के नाम से दिखाना है, टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अब डेटर से कौन कौन से लॉस आने हैं, डिस्काउंट अलाउड, डेट्स, दो तरह के लॉस हमारे डेटर से रिलेटेड है। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, ब्रांच के जो खर्चे हैं वो या तो हमने सेपरेटली ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाया है तो वहां से लेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट यहां पर टू ब्रांच एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं। अगर अलग से नहीं बनाया तो हमें यहां पर ब्रांच के एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं, जो भी ब्रांच के खर्चे हैं, स्टाफ सैलरी मैनेजर कमीशन जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आप यहां दिखा दें। अब एक चीज और ध्यान देना है,
कि अगर एबनॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस जैसा भी लॉस है, अगर लॉस के अगेंस्ट मीन्स ये जो गुड्स है ये हमारे इंश्योर्ड थे बट लॉस हो गया, तो इंश्योर्ड गुड्स के केस में क्या होता है, अगर लॉस हुआ है तो कई बार इंश्योरेंस क्लेम हमें मिल जाता है। तो इंश्योरेंस क्लेम हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है, क्रेडिट में आप दिखाएंगे। तो यहां पर बाय इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि प्रॉफिट हमारे लिए इंश्योरेंस क्लेम, इफ एनी, अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला है, पास हुआ है कि हमें मिलेगा, तो आप इंश्योरेंस क्लेम को इनकम मान के क्रेडिट में दिखा दें, फिर क्रेडिट का टोटल कर दें और यही टोटल डेबिट में लाकर जो बैलेंस निकलेगा वो हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसे नोट कर लें। और जैसे कि अब ये पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, अब इस फॉर्मेट के बाद जो अगला पार्ट है वीडियो का, हमारा फिफ्थ पार्ट आएगा, उसमें इसी मेथड पर बेस्ड एक कंप्लीट जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपकी ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से माइंड में बैठ जाए। ठीक है, तो अभी इसे यहीं पर फिनिश करते हैं और उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो और कॉन्सेप्ट दोनों ही समझ आए हों तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बेल आइकन में ऑल ऑप्शन पर अगर जाकर आप क्लिक करते हैं तो हमारी रेगुलर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगी। और ये भी कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके कमेंट्स और शेयर करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर और भी वीडियोस टाइम टाइम पर अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, आप सब अपना ध्यान रखें।